इसके अलावा मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ, राइट? ये होती है रूट वर्ड, विच इज अ वेरी कॉमन वन. ठीक है, आपको सब बताते हैं कि रूट वर्ड से हमेशा वर्ड्स लंबे याद रहते हैं. ठीक है, सो यू कैन लर्न दिस वोकैबुलरी दैट वे, राइट? सो विल गो अहेड. आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड. Yeah, for whosoever is watching the session, you can just give me a thumbs up if you wish to, so that I get a green signal and I can continue without thinking whether the screen is visible to you and I'm audible to you. So am I audible to you? Am I visible to you, to the two people who are watching it right now? All right, so meanwhile I wait for your answers, I'll continue the session, right? चलो मैं आपको रूट वर्ड से यहाँ पे वोकैबुलरी पढ़ाने वाली हूँ. बहुत लंबा सेशन नहीं रखेंगे, मुझे लगता है जब चीजें बहुत ज्यादा लंबी हो जाएं तो बोरिंग हो जाती हैं. तो हम रूट वर्ड से वोकैबुलरी को आज सीखेंगे. करीबन 13 रूट वर्ड्स है जो हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट? ऑल राइट, थैंक यू जादव एंड प्रीतम, आई कुड गेट माई रिस्पॉन्स. आई विल नाउ बिगिन द सेशन. ठीक है, ओके. थाई, थाई ये जो THEI होता है ना, इसका मतलब होता है भगवान, भगवान या फिर धर्म. जैसे ये THEI है, ये भगवान है या धर्म है. ठीक है, गॉड है, रिलीजन है. जहां कहीं पे भी ये वर्ड लिखा आ गया, रूट वर्ड, वहां समझ जाना कि कोई भगवान या धर्म से रिलेटेड बात हो रही है. ठीक, और इस्ट का मतलब होता है फॉलोअर. आप इसको जाने भी दे सकते हो, कोई बात नहीं, इसको याद नहीं करो. मैं आपको इधर से ही वर्ड्स याद करना बताती हूँ. पहला वर्ड देखो, थीइस्ट, अ थीइस्ट. ठीक है, थी का मतलब है भगवान, इस्ट का मतलब है फॉलोअर, वो बंदा जो भगवान को फॉलो करता है. या हेलो ज्योति, ओके. सो जो भगवान को फॉलो करता है या भगवान पर बिलीव करता है, वो बंदा क्या होता है? थीइस्ट. वो बंदा होता है थीस्ट, भगवान का बिलीवर, भगवान का फॉलोअर, धार्मिक, आस्तिक. ठीक है, दैट्स आस्तिक, राइट? और अगर मैं इस थी से पहले ए लगा दूं तो एब्सेंस ऑफ थीज़म हो जाएगा. मतलब ए मतलब एब्सेंस हो जाएगा यहाँ पे. मतलब जो बंदा आस्तिक नहीं है वो क्या हो जाएगा? नास्तिक. ठीक है, तो ये अथीस्ट की बात करूं तो वो हो जाएगा नास्तिक, और ही डज नॉट बिलीव ऑन गॉड. तो दो वर्ड्स आपके यहां से सीधे हो गए, थीस्ट और अथीस्ट, राइट? थीस्ट और अथीस्ट. अब मैं चलती हूं और वर्ड्स पे. इस पे आओ, मोनोथीस्ट. मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, वन. और थीस्ट का मतलब होता है भगवान पे यकीन करने वाला. ये अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया. तो मोनोथीस्ट वो बंदा हुआ जो सिर्फ एक ही भगवान पे बिलीव करता है. अगर आप इस्लाम फॉलो करते हो, मैं गुरु नानक देव जी को फॉलो करती हूँ, तो मेरा एक ही अल्लाह, एक ही खुदा है, तो मैं कौन हूँ? मोनोथीस्ट. ठीक है, पॉलीथीस्ट. पॉलीगन आप लोगों ने मैथ्स में सुना होगा. पॉली मतलब बहुत सारा, भुजाएं जिसकी होती हैं वो पॉली होता है. पॉली मतलब बहुत सारे, मल्टीपल. ठीक है, मल्टीपल, बहुत सारे. वो भगवान, वो इंसान जो बहुत सारे भगवानों पे बिलीव करता है, उसको कहते हैं पॉलीथीस्ट. जैसे हिंदूज है, हिंदूज क्या करते हैं? 3600 करोड़ देवी देवता हैं, उन पे उन्हें यकीन है. तो आप हिंदूज को क्या बुलाने वाले हो? पॉलीथीस्ट. ठीक है, मुस्लिम्स को क्या बुलाने वाले हो? मोनोथीस्ट. अपने एक अल्लाह पे यकीन करते हैं. ठीक है, पॉलीथीस्ट. देखो, अगर आप हनुमान जी को भी पूछते हो, शिव जी को भी पूछते हो, माता रानी को भी पूछते हो, तो आप कौन हो? पॉलीथीस्ट हो. ठीक है, पॉलीथीस्ट हो. आगे बढ़ते हैं, पैनथीस्ट. पैन, अच्छा, पैन नंबर जो आपको दिया गया होता है, पैन का मतलब क्या होता है? पैन मतलब हर जगह, ऑल ओवर. पैन का मतलब है हर जगह या ऑल ओवर. हाँ जी जाधव, क्लास रोज होती है 5 बजे आपकी. ओके, सो पैन का मतलब है ऑल ओवर, राइट? ऑल ओवर. पैन और थीस्ट मतलब तो आप जानते हो, भगवान पे यकीन करने वाला. ऐसा इंसान जो हर भगवान पर यकीन करता है, और सिर्फ अपने ही धर्म के हर भगवान पे नहीं, हर धर्म के, ऑल रिलीजन, हर धर्म के हर भगवान पे यकीन करने वाला इंसान कौन है? पैनथीस्ट. मैं दरगाह जा रही हूँ, माथा टेक के आ रही हूँ. मैं गुरुद्वारे से निकल रही हूँ, मैं माथा टेक के आ रही हूँ. मैं चर्च से निकल रही हूँ, मैं माथा टेक के आ रही हूँ. ठीक है,
फाइन इनफ. सो इसे हम क्या कहते हैं, पैनथीस्ट कहते हैं. यस आई जस्ट स्विच ऑफ द फैन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ऑल राइट, सो आई होप आपको ये थीस्ट वाले सारे वर्ड्स क्लियर है. ठीक है, आई होप ये थीस्ट वाले आपको सारे वर्ड्स क्लियर है. तो थी मतलब ऑल अबाउट गॉड, थी इज ऑल अबाउट गॉड, राइट. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. All right, so we'll now again begin the session. I hope this noise thing is now sorted, right? Chalo ji, aage badhte. Fine. So here we go next. Theist ho gaya. Theist matlab bhagwan pe yakeen karne wala. Atheist, nastik, jo bhagwan pe yakeen nahin karta hai. Jo bhagwan pe yakeen nahin karta hai. Monotheist, jo ek hi bhagwan pe yakeen karta hai. पॉलीथीस्ट, जो बहुत सारे भगवानों पर यकीन करता है. पैनथीस्ट, जो हर धर्म के हर भगवान पर यकीन करता है. पॉलीथीस्ट और पैनथीस्ट में यही फर्क है. पॉलीथीस्ट अपने ही धर्म पे यकीन करता है, अपने ही धर्म के बहुत सारे भगवानों पर. और पैनथीस्ट मल्टीपल रिलीजन, बहुत सारे रिलीजन के सारे भगवानों पर ही यकीन करता है पैनथीस्ट. So I hope this is clear to you guys. If that is clear to you, I shall take this off your view. Just give me a thumbs up agar aapko ye sare words yahan pe clear ho gaye hain to. Please. I'll be grateful. Agar mujhe ek thumbs up yahan mil jaye to mereko ek green signal mil jayega ki screen aur words aapko sab kuch visible hai. All right, thank you so much everybody, thank you. अब मुझे ये यकीन हो गया कि at least आप लोग को स्क्रीन समझ आ रही है, विजिबल है, और मेरी आवाज भी आपको ऑडिबल है, तो मैं आराम से आगे जा सकती हूँ. ठीक है जी, लॉजी पे आते हैं हम लोग. अच्छा लॉजी तो आप सब समझते ही हो, राइट. लॉजी इज समथिंग दैट यू गाइज अंडरस्टैंड ऑलरेडी. लॉजी का मतलब होता है किसी चीज की पढ़ाई करना, स्टडी ऑफ समथिंग. अब देखते हैं किस किस चीज की हम पढ़ाई कर रहे हैं. मैंने अभी पीछे आपको थी वर्ड बताया जिसका मतलब क्या था, गॉड. तो अगर कोई आपसे पूछ ले थियोलॉजी क्या है, तो आप क्या बोलोगे भाई, लॉजी तो स्टडी है, लॉजी तो स्टडी है, और थियो मतलब गॉड है. तो भगवान की या धर्म की स्टडी, भगवान या धर्म का अध्ययन करना, पढ़ाई करना, स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजन, इट्स कॉल्ड थियोलॉजी. तो ये थियो वर्ड इज क्लियर टू यू गाइज. ये स्पेलिंग यहाँ पे ठीक कर लेना, दिस इज टी एच ई ओ. ठीक है, आगे बढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी, मेरा आप मेरी बात को बहुत गौर से सुने, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है इसलिए बता रही हूं. एंथ्रोपो का मतलब ही होता है इंसान या इंसानी जाति, ह्यूमन काइंड, ह्यूमन रेस, ह्यूमन बीइंग. इंसान को आप क्या बोलते हो, एंथ्रोपो बोलते हो. ठीक है, एंथ्रोपो बोलते हो. तो अगर कोई आपसे पूछ ले भाई एंथ्रोपोलॉजी क्या होगा, तो वो होगा स्टडी ऑफ ह्यूमंस या ह्यूमन काइंड. स्टडी ऑफ ह्यूमंस या ह्यूमन बीइंग्स या ह्यूमन काइंड, इसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी. लेकिन मुझे आपको इससे रिलेटेड एक और वर्ड बताना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी आता है एग्जाम्स में. गुड इवनिंग लुबित, गुड टू सी यू. Okay, and good to see everybody actually. Okay, so we'll go ahead. देखो, एक word होता है philanthropist. एक word होता है philanthropist. ठीक है, फिल का मतलब क्या होता है, देखो ये word होता है phobia. Phobia तो होता है डर. ठीक जी, philia मतलब होता है love. Phobia डर है, philia love है. ठीक है, तो फिल मतलब तो हो गया लव. और एंथ्रोपिस्ट का मतलब आपको पता लग गया, ये कौन है, ह्यूमन काइंड है, ह्यूमन बीइंग है, इंसानी जाति है. ठीक है, नो नो सर दैट्स फाइन, आप बिल्कुल लेट नहीं हुए, आप टाइम से ही आए हैं. तो फिल का मतलब है लव और एंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या है, ह्यूमन बीइंग. ठीक है,
फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होगा? फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होगा? वो इंसान जो इंसानी जाति से प्रेम करता है, या वो इंसान जो बहुत चैरिटी देता है, वो बंदा कौन है? फिलेंथ्रोपिस्ट है. लवर ऑफ ह्यूमन काइंड, लवर ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट, उसे हम कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट. ठीक है, ये वर्ड बहुत यूज होता है. आप रतन टाटा के लिए यूज कर सकते हो ये वर्ड, क्योंकि वो बहुत चैरिटी करते हैं. अजीम प्रेम जी जो हैं, अजीम प्रेम जी विप्रो के चेयरमैन हैं, उन्हें बहुत बिग टाइम, रतन टाटा को और अजीम प्रेम जी को बिग टाइम फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं. फिलेंथ्रोपिस्ट कौन है? लवर ऑफ ह्यूमन काइंड या लवर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जो चैरिटी बहुत देता है. तो यहां से एंथ्रोप समझ में आ गया. एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स. आगे बढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी पे. मेरा यकीन माने, मॉर्फोलॉजी और इसके अगला जो वर्ड लिखा हुआ है एंथ्रोमॉर्फिज्म, काफी आता है. एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, तो मॉर्फो का तो मतलब होता है मॉर्फ. ये जो मॉर्फ लिखा हुआ है ना, मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ढांचा, स्ट्रक्चर या ढांचा. तो मॉर्फोलॉजी क्या हो गया? स्ट्रक्चर की या ढांचे की स्टडी कहलाती है मॉर्फोलॉजी. स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर या ढांचा, इसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी. ठीक है, आई विल ट्राई टू जस्ट जूम इन, राइट, आई विल जस्ट ट्राई टू जूम इन. ठीक है, तो जूमॉर्फिज्म क्या होता है, सॉरी मॉर्फोलॉजी क्या होगा? मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स. और एंथ्रोमॉर्फिज्म क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड. ठीक जी, एंथ्रोमॉर्फिज्म क्या होगा? एंथ्रोपो मतलब इंसान, मॉर्फ मतलब स्ट्रक्चर. ठीक है, मॉर्फ मतलब स्ट्रक्चर. तो इंसान का स्ट्रक्चर जब आप भगवान को दे देते हो, अगर आप ह्यूमन स्ट्रक्चर दे दो भगवान को, इसे हम कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. ये बहुत अच्छा सा वर्ड है. आप जो आजकल लोग ऐसे करते हैं ना, मतलब हम लोग किस में पूछते हैं भगवान को? मूर्तियों में, हम आइडल्स में पूछते हैं. तो आइडल का जो पूजा होती है वो तो कहलाती है आइडोलेट्री. आइडोलेट्री तो होता है मूर्ति पूजन, लेकिन भगवान को इंसान का स्ट्रक्चर देना, भगवान को इंसान का स्ट्रक्चर देना कहलाता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, एंथ्रोपो मतलब इंसान, मॉर्फ मतलब स्ट्रक्चर. इंसान का स्ट्रक्चर किसको देना? भगवान को देना, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. ठीक है, जूमॉर्फिज्म क्या होगा? जू मतलब क्या होता है? जानवर. मॉर्फ मतलब स्ट्रक्चर. ठीक है, इज्म इज लाइक गॉड. तो अगर आप जानवर का स्ट्रक्चर दे रहे हो भगवान को, अगर आप जानवर का स्ट्रक्चर दे रहे हो भगवान को, तो वो कहलाता है जूमॉर्फिज्म. जैसे कहीं पे सिंह देवता होते हैं, है ना, शेर का मुख लगाया होता है भगवान पर, तो ये क्या होता है? जूमॉर्फिज्म. दिस इज गिविंग एनिमल स्ट्रक्चर टू गॉड. ठीक, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग. अमॉर्फिक, अमॉर्फिक क्या होता है? देखो, मॉर्फ का मतलब तो होता है स्ट्रक्चर, लेकिन उसके आगे मैंने ए लगा दिया. ए लगाने का मतलब है एब्सेंस. जिसका ना कोई सिर है ना पैर है, जिसका कोई पर्टिकुलर ढांचा नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, वो कहलाता है अमॉर्फिक. वो कहलाता है अमॉर्फिक. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज. दैट्स कॉल्ड अमॉर्फिक. इजी? यस, ओके. Just give me a thumbs up if you have understood it up till here. Just give me a thumbs up if it's clear to you guys in here. Okay. Fine. Thank you so much, Lubith. Fine enough. चलो मैं यहां से ये सारी इंक रिमूव करके आई विल जस्ट एक्सप्लेन ऑल द मीनिंग्स टू यू अगेन. थियोलॉजी किसकी स्टडी है? भगवान की स्टडी है. एंथ्रोपोलॉजी इंसानी जाति की स्टडी है. मॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्चर्स की, ढांचे की पढ़ाई, इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी.
एंथ्रोपोमॉर्फिज्म मतलब इंसान का स्ट्रक्चर देना भगवान को, जूमॉर्फिज्म जानवर का स्ट्रक्चर देना इंसान भगवान को, और अमॉर्फिक जिसका कोई ढांचा ही नहीं है, जिसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, नो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं अमॉर्फिक। ठीक है, हाँ जी मैं रिपीट कर देती हूँ मॉर्फोलॉजी। देखो मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ढांचा, और अगर आप ढांचे की पढ़ाई कर रहे हो किसी के, अगर आप किसी के ढांचे की पढ़ाई कर रहे हो तो वो कहलाती है मॉर्फोलॉजी, सिंपल। ठीक है, दैट्स कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, इजी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड। अब आ जाओ फोबिया पे। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम फोबिया पे। अच्छा, एक चीज होती है फियर और दूसरी चीज होती है फोबिया। फियर तो डर है नॉर्मल, और फोबिया होता है बहुत ज्यादा डर, एक्सट्रीम फियर, इतना ज्यादा डर कि वो एक मेडिकल कंडीशन बन जाए, इंसान को दवाइयां लेनी पड़ जाए ऐसे डर के लिए, वो कहलाता है फोबिया। ठीक है, अभी ये तो नाम से ही आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, बहुत बहुत इजी चीज है। जू में क्या मिलते हैं? जानवर। फोबिया का मतलब है डर, तो जानवर का डर कहलाता है जू फोबिया, फियर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एंड्रो, ये जो वर्ड लिखा हुआ है एंड्रो, एंड्रो का मतलब होता है मेल्स या लड़के, एंड्रो का मतलब है मेल्स या लड़के। तो जिन लोगों को भी लड़कों का डर है या आदमियों का डर है, आप उन्हें क्या बुलाओगे? जो आदमियों को पसंद नहीं करते, मेल फिगर को पसंद नहीं करते, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंड्रो। उस डर को हम क्या कहते हैं? एंड्रोफोबिया। ठीक है, और अगर आप, हाँ बिल्कुल अमन, ये वाला टॉपिक क्लियर है, पर मैं आपको हल्की सी हिंट दे रही हूँ। जो जो भी मेरे को पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं और पहली बार ये फोबियाज की लिस्ट देख रहे हैं, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमने लगभग 60 से 70 फोबियाज पढ़े हैं अनअकैडमी ऐप पर, अनअकैडमी ऐप पर। ठीक है, आप शीना अरोरा के कोर्स में जा सकते हैं, आप शीना अरोरा के कोर्स में जाकर इडियम्स फोबियाज की लिस्ट देख सकते हैं। ये हमने परफेक्ट वोकैबुलरी, परफेक्ट वोकैबुलरी करके एक पूरा लेक्चर तैयार किया है अनअकैडमी ऐप पर। शीना अरोरा को अगर आप फॉलो करेंगे बैंकिंग एग्जाम्स में, परफेक्ट वोकैबुलरी वाला लेक्चर अगर आप देखेंगे, तो ये तो बस थोड़े से हमने यहाँ पे फोबियाज आपके लिए रखे हैं। आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरा परफेक्ट वोकैबुलरी का लेक्चर देखें, आपको 60 से 70 वर्ड्स ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएंगे, फोबियाज आई मीन टू से। ठीक है, ओके ओके सर, मैं जूम कर देती हूँ जिस जिसको भी जूमिंग चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी, ओके, मैं नेक्स्ट वर्ड पे चल रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड है गाइनो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है गाइनो, गाइनोफोबिया। जिस जिसको भी ये स्क्रीन देखनी थी वो आप स्क्रीन चेक कर सकते हो, आई हैव जस्ट जूम्ड इट आउट, जूम्ड इट इन। ओके, मैं नेक्स्ट वर्ड पे चलूंगी। नेक्स्ट वर्ड है गाइनोफोबिया। देखो जो लेडी डॉक्टर होती है उसे हम बोलते हैं गाइनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, जो लेडी डॉक्टर होती है जो फीमेल की बीमारियों का इलाज करती है उसे आप गाइनेकोलॉजिस्ट कहते हो। यहीं से हमने गाइनो वर्ड उठाया। गाइनो मतलब है लड़कियां या गाइनो मतलब है विमेन। ठीक है, तो गाइनोफोबिया क्या होगा? औरतों का या लड़कियों का डर। आदमियों का डर क्या था? एंड्रोफोबिया, और लड़कियों का डर क्या है? गाइनोफोबिया। ओके, सुभदीप दत्ता, अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है या किसी को भी फॉर दैट सेक इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, प्लीज रीडिंग किया करें। रीडिंग के अलावा और कोई टिप और ट्रिक बनी नहीं है। फर्स्ट थिंग तो ये है कि पर्सनल गोल बनाइए, ये नहीं कि एग्जाम पर्पज से ही मुझे इंग्लिश पढ़नी है बिकॉज एक जॉब चाहिए, ऐसे कुछ नहीं होता है। ठीक है, इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट तब आएगा व्हेन यू फॉल इन लव विद इंग्लिश। शब्दों से प्यार करो, शब्दों, जस्ट फॉल इन लव विद द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज। इंग्लिश को पढ़ा करो नॉलेज इकट्ठी करने के लिए, हैव थर्स्ट फॉर नॉलेज। तीन चीजें देखो, पहला चीज तो पर्सनल गोल बना लो इंग्लिश को, एग्जाम स्पेसिफिक मत रहो, पर्सनल गोल बनाओ कि मुझे तो इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है,
आप इंग्लिश जितनी रीड करेंगे आपको उतनी इंग्लिश आएगी। इंग्लिश इंप्रूव करने का ये बेहतरीन और सबसे कारगर उपाय है। स्टार्ट रीडिंग, कुछ भी एक्लेक्टिक रीडिंग करिए। एक्लेक्टिक रीडिंग का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है यूट्यूब के, आप एक्लेक्टिक रीडिंग किया करिए, ठीक है। प्लीज स्टार्ट रीडिंग, दिस इज द ओनली वे टू इम्प्रूव इंग्लिश। ऑल राइट, चलो हम आगे बढ़ते हैं। गाइनोफोबिया तो हो गया लड़कियों का डर, ठीक है। पीडोफोबिया क्या होता है? पीडो का मतलब क्या होता है? पीडो का मतलब क्या होता है? बच्चे। अच्छा, आपने ये देखा होगा पीडियाट्रिशियन, एक देखो जो लेडी डॉक्टर थी वो तो गायनेकोलॉजिस्ट थी, जो बच्चों की डॉक्टर है वो पीडियाट्रिशियन है, ठीक है। वो क्या है? पीडियाट्रिशियन है। लेडीज जो जो बच्चों की डॉक्टर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पीडियाट्रिक्स। तो पेडियाट्रिक्स से आएगा पेडियाट्रिशियन। पीडा इज ऑल अबाउट चाइल्ड, चिल्ड्रन, बच्चे। तो पीडा, पीडो इज बच्चे, फोबिया इज डर, पीडो मतलब बच्चे, तो बच्चों का डर क्या कहलाता है? पीडोफोबिया। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोकतंत्र। डेमो मतलब है लोग, पीपल, तो लोगों का डर क्या कहलाएगा? डेमोफोबिया। ये पब्लिक स्पीकिंग का भी डर हो सकता है, लोगों के बीच में जाने का डर या लोगों के बीच में बात करने का डर, इसे आप डेमोफोबिया कह सकते हो। देखो कितना इजी है, डेमो का मतलब होता है लोग, ठीक है। डेमो का मतलब है लोग, लोकतंत्र से याद कर लो डेमोक्रेसी, ठीक है। सो डेमोफोबिया इज फियर ऑफ पीपल या फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ओके, नेक्स्ट पे आओ, एंथ्रोपोफोबिया। अरे बाबा, मैंने अभी एंथ्रोपो पीछे बताया था। एंथ्रोपो मतलब ह्यूमन बींग्स, तो इंसानी जाति का डर क्या है? एंथ्रोपोफोबिया। वो लोग जिन्हें ह्यूमन बींग से डर लगता है, या जिन्हें ह्यूमन बींग्स की कंपनी में जाने से डर लगता है, या जिन्हें अकेले रहना बहुत पसंद है, ठीक है, उन्हें आप क्या कह सकते हो? एंथ्रोपोफोबिक, एंथ्रोपोफोबिया, ठीक है। थियोफोबिया तो बहुत ही आसान है। थियो तो मतलब, थियो मतलब क्या है? वॉट इज थियो? हेलो, व्हाट इज थियो? थियो मतलब भगवान, और फोबिया मतलब डर, तो भगवान का या धर्म का डर कहलाता है थियोफोबिया। ऑलराइट, चलो मैं ये जल्दी से आपको एक क्विकली रिवाइज कराऊंगी एंड जस्ट गो थ्रू इट। ओके 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 सर, यहाँ से एक्चुअली पिक्चर ऊपर नहीं हो सकती है, मैं जूम कर देती हूँ, ठीक है, मैं जूम कर देती हूं, आप ये चेक कर सकते हो। ऑल राइट, सो आई नाउ गो अहेड, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो सब कुछ। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलने वाले हैं। ये है क्रेसी, ठीक है। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट या एक तरह का सिस्टम, ठीक है। क्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट या एक तरह का सिस्टम। डेमोक्रेसी तो लोकतंत्र है, ये हमारी कंट्री में फॉलो होता है। डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ठीक है। ऑटो, ऑटो का मतलब होता है खुद से, ठीक है। खुद से मतलब क्या? डिक्टेटरशिप, ठीक है, या फिर किंगशिप, ठीक। तो ऑटोक्रेसी किसे कहते हैं? जहां पे डिक्टेटरशिप चल रही हो, जहां एक ही बंदे की, सेल्फ की गवर्नमेंट चल रही हो, एक ही बंदे की या सेल्फ की गवर्नमेंट चल रही हो, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी, ठीक है। मतलब सिर्फ एक ही बंदा रूल कर रहा है पूरी गवर्नमेंट पर या सिस्टम पर, दैट्स कॉल्ड ऑटोक्रेसी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, थियोक्रेसी। थियो का मतलब होता है भगवान, अभी पीछे पढ़ा है हमने, थियो का मतलब है भगवान और क्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट। तो थियोक्रेसी क्या है? ऐसी गवर्नमेंट जो धार्मिक लोग चलाते हैं, जैसे कि प्रीस्ट, बिशप,
या फिर ऐसी गवर्नमेंट जो धर्म के प्रिंसिपल्स पर चलती है, जो रिलीजियस सिद्धांतों पर चलती है, रिलीजियस प्रिंसिपल्स पर चलती है, ऐसी गवर्नमेंट को आप बोलते हो थियोक्रेसी, जैसे इराक की गवर्नमेंट है, इराक या इराक और ईरान, ईरान में भी, ठीक है, ईरान शायद, तो ये सबसे बड़ी थियोक्रेसी है इन द वर्ल्ड, ईरान, ठीक है, क्योंकि ये धार्मिक प्रिंसिपल्स पर चलती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड थियोक्रेसी, ठीक जी। आगे बढ़ेंगे, प्लूटोक्रेसी, प्लूटो का मतलब होता है पैसा, प्लूटो मीन्स वेल्थ, प्लूटो, देखो जहां कहीं भी प्लूटो आ जाएगा, माना प्लूटो एक प्लैनेट था लेकिन इट्स नो मोर अ प्लैनेट नाउ, ठीक है, लेकिन प्लूटो का मतलब जो है वो याद रखना है हमेशा, प्लूटो मतलब है अमीरी, प्लूटो मीन्स वेल्थ, ठीक है, प्लूटो मीन्स वेल्थ, तो प्लूटोक्रेसी क्या होगा, अमीर लोगों के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट। मान लो कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कल को मान लो मुकेश अंबानी गवर्नमेंट बना ले एक इंडिया में, तो वो क्या हो जाएगी, प्लूटोक्रेसी, सो दैट्स अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय वेल्दी पीपल, ठीक है, दैट्स प्लूटोक्रेसी, ठीक। अब हम आते हैं ओलिगोक्रेसी पर, ओलिगो का मतलब, ओलिगो का मतलब होता है बहुत कम, सिलेक्टेड फ्यू, बहुत ही कम लोग, ठीक है, ओलिगो मतलब सिलेक्टेड फ्यू, बहुत ही कम लोग, तो ओलिगोक्रेसी क्या होता है, जहां पर बहुत ही कम लोग गवर्नमेंट पर रूल करते हैं या बहुत ही कम लोग गवर्नमेंट चला रहे होते हैं, उसे कहते हैं ओलिगोक्रेसी। ओके, ये आज वोकैबुलरी की क्लास आज से ही शुरू हुई है, हमने इससे पहले सैनी, सैनी, मिस्टर सैनी या मिस सैनी, ओके, हम लोग ये क्लासेस पिछले 3 दिनों से चला रहे हैं, एक दिन हमने इक्लेक्टिक रीडिंग पढ़ी है, एक दिन हमने इडियम्स और फ्रेजेस पढ़े हैं, ये हमारी 3rd क्लास है जिसमें हम वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, तो ओलिगो तो मतलब होता है फ्यू, बहुत ही कम लोग, तो बहुत ही कम लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है कहलाती है ओलिगोक्रेसी। मैं कहूंगी आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठे और साथ साथ लिखते रहें, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, शॉर्ट में नोट्स लिखते रहें, ठीक है। ओके, सो ओलिगोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट विच इज रन बाय वेरी फ्यू पीपल, वेरी फ्यू पीपल, ठीक है। अब आ जाओ मोबो पे, जहां कहीं भी आपको मॉब लिखा नजर आएगा, जहां कहीं भी आपको मॉब लिखा नजर आएगा, मॉब का मतलब क्या होता है, मॉब का मतलब होता है क्राउड, मॉब का मतलब होता है क्राउड या झुंड, मॉब मीन्स क्राउड या झुंड, तो मोबोक्रेसी क्या होगा, जब क्राउड, व्हेन क्राउड टेक्स ओवर गवर्नमेंट, या फिर इसको हम एनार्की भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम एनार्की भी कहते हैं, एनार्की मतलब नो गवर्नमेंट, जहां पे भीड़ ही अपने हाथों में ले ले गवर्नमेंट को और सिस्टम को, उसको हम कहते हैं एनार्की या फिर मोबोक्रेसी। मॉब मतलब होता है भीड़ भड़क का, ठीक है, मॉब मतलब होता है भीड़ भड़क का, क्राउड, तो अगर क्राउड गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है या जहां पे लॉ नहीं है, जहां पे कानून ही नहीं है, उसको हम कहते हैं मोबोक्रेसी या फिर हम उसे कहते हैं एनार्की, एनार्की मतलब नो गवर्नमेंट, ठीक है जी, एनार्की मतलब नो गवर्नमेंट, ऑल राइट, ईजी। आगे बढ़ेंगे मोनार्की, व्हाट इज मोनार्की, देखो मोनार्क का मतलब क्या होता है, मोनार्क मतलब होता है किंग या क्वीन, किंग या क्वीन, शासक, उसको हम बोलते हैं मोनार्क, ठीक है। तो अगर कहीं पे टॉप ऑफिशियल, जैसे कि कोई राजा या रानी रूल करता है या गवर्नमेंट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनार्की। जैसे कहाँ चलती है ये मोनार्की, चलती है ब्रिटेन में, आपको पता ही होगा मोनार्की कहाँ चलती है, ब्रिटेन में, मतलब राजा और रानी का रूल, जहां शासक कौन है, राजा या रानी। आगे बढ़ेंगे हम एनार्की पे, ठीक है जी, बिल्कुल सैनी, हम बिल्कुल बेसिक से, स्क्रैच से शुरू किया है हमने पढ़ाना, तो आप चिंता ना करें और आप हर क्लास में आएं और आप धीरे धीरे देखेंगे आपकी खुद की इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होने लगेगा, लेकिन शर्त यह है कि आप खुद भी थोड़ा सेल्फ स्टडी करेंगे, राइट, आप खुद भी सेल्फ स्टडी करेंगे, मैं बेसिक से ही करवा रही हूँ। ओके, सो अभी हम बढ़ेंगे एनार्की पर, एनार्की क्या होता है, लॉलेसनेस, जहां पे बिल्कुल लॉ नहीं है, जैसे मोबोक्रेसी था,
वैसे ही क्या है, एनार्की है. एनार्की मतलब एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, राइट. एनार्की मतलब एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहां गवर्नमेंट ही नहीं है. गवर्नमेंट नहीं है तो क्या होगा, वहां पे कानून ही नहीं होगा. जहां कानून नहीं है, लॉलेसनेस है, उसे हम कहते हैं एनार्की. ठीक जी, आगे बढ़ेंगे हम लोग. राइट क्रेसी, आई होप दैट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो आई विल गो अहेड. जहां आपको इशू लगे आप मुझे कमेंट कर सकते हो सेक्शंस में. आई विल ट्राई टू आंसर. राइट, आई विल ट्राई एंड सॉर्ट आउट ऑल योर क्वेरीज एट द क्विकेस्ट. चलो, और कौन कौन सी क्रेसीज हैं हमारे पास? और कौन कौन सी क्रेसीज हैं हमारे पास? जिरोंटोक्रेसी. देखो, जिरोन का मतलब होता है एजेड या एक्सपीरियंस्ड. ठीक है, जिरोंटोक्रेसी, जिरोन का मतलब होता है एजेड या एक्सपीरियंस्ड. तो जिरोंटोक्रेसी का मतलब होता है वो गवर्नमेंट जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और एजेड लोगों के द्वारा बनाई जाती है. ऐसी गवर्नमेंट जो एक्सपीरियंस्ड और एजेड लोगों के द्वारा बनाई जाती है, उसे हम कहते हैं जिरोंटोक्रेसी. कोई आपसे कल को पूछ ले कि भाई जिरोंटोलॉजी क्या है, तो क्या है जिरोंटोलॉजी? ओके, जिरोंटोलॉजी क्या है? जिरोंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ एज. जिरोंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ एज. लॉजी मतलब स्टडी, है ना. तो एज की स्टडी कहलाती है जिरोंटोलॉजी. और जिरोंटोक्रेसी होता है एक गवर्नमेंट जो कि कौन चला रहे हैं, एजेड और एक्सपीरियंस लोग चला रहे हैं. किसी ने मुझसे कहा है कि पिछली स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है, तो आई विल टेक यू टू द प्रीवियस स्लाइड. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू विश टू. या प्लीज बी क्विक इनफ टू टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट आई कैन गो अहेड. ओके, देन आई एम गोइंग टू गो अहेड. देखिए, जिरोंटोक्रेसी हो गया. अब हम आते हैं मेरिटोक्रेसी पर. मेरिट का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस. मेरिट का मतलब, देखो कहते हैं ना, मेरिट मतलब आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है, मेरिट में कहां पर हो आप, मतलब परफॉर्मेंस. मेरिट मतलब परफॉर्मेंस. ठीक है, तो मेरिटोक्रेसी होता है ऐसी गवर्नमेंट जहां पे आपकी पोजिशन आपकी परफॉर्मेंस से डिसाइड होती है. ऐसी गवर्नमेंट जहां पे आपकी पोजीशन आपकी परफॉर्मेंस से डिसाइड होती है, उसे कहते हैं मेरिटोक्रेसी. ठीक है, क्लेप्टोक्रेसी. इसकी स्पेलिंग के एल भी हो सकती है, सी की जगह आप के भी लगा सकते हो. क्लेप्टो का मतलब होता है चोरी. क्लेप्टो मतलब चोरी. ठीक है, तो क्लेप्टोक्रेसी, क्लेप्टो मतलब थीफ. ठीक है, क्लेप्टो मतलब चोर. क्लेप्टोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो चोरों के द्वारा चलाई जाती है. ये एक ऐसी गवर्नमेंट जो बहुत हेरा फेरी करके गवर्नमेंट को चलाती है, राइट, उनके फंड्स खा जाती है. ऐसी गवर्नमेंट को आप क्या कहते हो? क्लेप्टोक्रेसी. राइट, चोरी की गवर्नमेंट, दैट्स क्लेप्टोक्रेसी. राइट, ओके, यस, श्योर सैनी, आई विल श्योरली शेयर दिस स्लाइड एज अ PDF. प्लीज डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो व्हाट्स ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी, देखो, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं टॉप ऑफिशियल, जो बहुत बड़े बड़े अफसर होते हैं उनको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स. तो ब्यूरो इज ऑल अबाउट टॉप ऑफिशियल्स. तो ब्यूरोक्रेसी क्या होगा? ऐसी गवर्नमेंट जो टॉप ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाती है. ऐसी गवर्नमेंट जो टॉप के ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाती है कहलाती है ब्यूरोक्रेसी. एरिस्टोक्रेसी, देखो, एरिस्टो का मतलब होता है बहुत ही नोबल लोग. नोबल मतलब बहुत ही बड़े खानदान के, ऊंचे रिच लोग, उन्हें आप कहते हो एरिस्टोक्रेट्स. ठीक है, तो एरिस्टोक्रेसी क्या होगी? ऐसी गवर्नमेंट जिसको बड़े बड़े अमीरजादों की गवर्नमेंट फैमिलीज चलाती हैं. नोबल फैमिलीज के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है, हम उसको कहते हैं एरिस्टोक्रेसी.
जैसे ब्रिटेन में भी आप सोच सकते हो, ब्रिटेन में मोनार्की है, मोनार्की के साथ आप उसे एरिस्टोक्रेसी भी कह सकते हो, क्योंकि बहुत नोबल और बड़ी और रिच फैमिलीज जो है वहां पे गवर्नमेंट चलाती हैं, दैट्स एरिस्टोक्रेसी। सैनी, आई विल शेयर इट हियर ऑन द यूट्यूब इटसेल्फ। इन माय नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट द लिंक टू द पीडीएफ ऑफ दिस होल लेक्चर एज वेल, विच इज टुमारो, राइट, 5 PM। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज, एरिस्टोक्रेसी। इसको मैं क्लियर करके जल्दी से एक क्विक रिविजन आप लोग को दूंगी। तो जिरोंटोक्रेसी मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो एजेड और एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा चलाई जाती है। मेरिटोक्रेसी जो ऐसी गवर्नमेंट जहां पे आपकी पोजीशन आपकी परफॉर्मेंस से डिसाइड होती है। क्लेप्टोक्रेसी चोरों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है, या ऐसी गवर्नमेंट जो बहुत हेरा फेरी करती है चलाने में अपनी देश को, उसे आप कहते हो क्लेप्टोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो टॉप ऑफिशियल्स के द्वारा, बड़े बड़े अफसरों के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है, दैट्स कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, ऐसी गवर्नमेंट जो नोबल फैमिलीज के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी रिच और नोबल हाई क्लास फैमिलीज के द्वारा चलाई जाती है, दैट्स एरिस्टोक्रेसी। या यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट इफ यू विश टू, आई जस्ट वेट फॉर अनदर मिनट एंड आई गो अहेड। Yes, Annie, I'll try and make a playlist, please. Yeah, do not worry about it. All right, so I'll now go ahead. I hope this is clear to you guys. I'll move on to next slide. Okay. Okay. Here we go next. Somnia means sleep. ठीक है, somnia means sleep. अगर मैं insomnia लगा दूं, somnia तो नींद है, इन मतलब नींद नहीं आ रही है, तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो वो क्या है, insomnia, no sleep at all. ठीक है, no sleep at all, it's called insomnia. ठीक है, no sleep at all, it's called insomnia. All right, I'll now go ahead. Somniferous, ठीक है, somniferous, देखो somni तो हो गया नींद, और ferous मतलब ऐसी कोई चीज जो which causes something, मतलब कुछ कॉज करना, ठीक है, तो सोमनी फेरस ऐसी चीजें होती हैं जैसे कोई स्लीपिंग पिल्स हो गई, ठीक, सोमनी फेरस मतलब नींद लाने वाली चीज, सोमनी फेरस मतलब नींद लाने वाली चीज, इसे हम कहते हैं सोमनी फेरस, ठीक है, सोमनी फेरस इज नींद लाने वाली चीज। ऑलराइट, चलो हम आगे बढ़ेंगे। सोमनी फेरस को आप इससे भी सीख सकते हो, सोपोरेफिक, ये आ चुका है एग्जाम में काफी बार वर्ड, चलो मैं इसको एक ट्रिक से सिखाती हूँ। ये जो मैंने दो ओ बनाए हैं इन पर मैंने हल्की सी कलाकारी की है, और ये मैंने आंखें बना दी हैं, लग रही है ना ये दोनों आंखें, अब आप कहोगे मैम नहीं लग रही हैं, बंद आंखें हैं, मैंने कब का खुली आंखें हैं, ये बंद आंखें हैं, ठीक है, तो सोपोरिफिक का वह मतलब होता है वो हर चीज जो आपको नींद दिलाती है, इंड्यूसेस स्लीप, जैसे छोटे बच्चों को लोरी सुनाओ तो उन्हें नींद आ जाती है ना, लोरी को क्या कहते हैं, लुलबी, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, लुलबी इज सोपोरिफिक फॉर चिल्ड्रन, मतलब छोटे बच्चों के लिए लुलबी क्या है, सोपोरिफिक है, और सोपोरिफिक की जगह आप और एक वर्ड लिख सकते हो जो अभी अभी हमने पढ़ा, सोमनीफेरस, सोमनीफेरस, ठीक है, दैट्स सोमनीफेरस। आगे बढ़ेंगे, सोमनम्बुलिस्ट, सोम मतलब होता है नींद, सोम मतलब है स्लीप, और एम्बुलिस्ट का मतलब, देखो एम्बल का मतलब होता है वॉक करना, एम्बल का मतलब है वॉक करना, ठीक है, तो सोमनम्बुलिस्ट वो बंदा होता है तो जो नींद में चलता है, स्लीप वॉकर, उसको बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट, राइट, उसको बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट,
Someone who walks while sleeping. All right. ऑल राइट चलो आगे बढ़ेंगे. सोम्न मतलब हो गया नींद और एम्बल का मतलब हो गया चलना. एम्बल का मतलब होता है चलना, एम्बल ठीक है, वॉक. और सोम्न मतलब क्या है? स्लीप. तो सोमनम्बुलिस्ट कौन हो गया? स्लीप वॉकर, जो नींद में चलता है वो बंदा है सोमनम्बुलिस्ट. ठीक. और अभी अभी मैंने आपको बताया एम्बुल, एम्बुल मतलब चलना ठीक है, एम्बुलेंट मतलब जो चलने योग्य हो, थिंग्स एबल टू वॉक, जो चलने योग्य चीजें हैं आप उन्हें बोल सकते हो एम्बुलेंट ठीक है, एम्बुलेंट. चलो अब आपको एक और चीज सिखाती हूँ. एक वर्ड होता है इलोक्वेंट, ई एल ओ क्यू यू ई एन टी. इलोक्वेंट होता है बहुत ही इफेक्टिव स्पीकर, जो बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छी बातें करता है, वो बंदा होता है इलोक्वेंट. अब ये कहां से आया? लोक से आया. लोक का मतलब होता है बातें. इससे पहले ई जोड़ दिया, ई मतलब है इफेक्टिव बातें करने वाला. तो इफेक्टिव बातें करने वाला क्या है? इलोक्वेंट है ठीक है. आई होप इलोक्वेंट तक आपको सब समझ आ गया होगा. अब मैं आपको एक और चीज बताती हूं. सोम्न मतलब तो हो गया नींद, और लोक्वेंट मतलब हो गया बातें. तो नींद में चल बोलने वाला क्या कहलाएगा? सोमनी लोक्वेंट या सोमनी लोक्विस्ट. ये लास्ट वर्ड आप देख रहे हो, सोमनी लोक्विस्ट. देखो सोम्न मतलब तो हो गया नींद, और लोक मतलब हो गया बातें, टॉक टॉक ठीक है. तो नींद में बोलने वाला कहलाता है सोमनी लोक्विस्ट. राइट. आई होप आपको यहां तक चीजें समझ आ गई हैं. तो मैं अब आगे बढ़ूंगी ठीक है. आई नाउ गो अहेड. ऑल राइट. तो देखिए आपने अभी एक घंटा भी नहीं पूरा हुआ है और आपने कितने सारे वर्ड सीख लिए होंगे ठीक है. मेरे ख्याल से आपने लगभग 30 से 40 शब्द अभी तक सीख लिए होंगे, और मेरे ख्याल से आप भूलेंगे भी नहीं अगर आपने एक और बार ये सेशन को हल्का सुन भी लिया तो ठीक है. So, yeah. So, give me a thumbs up if things are clear to you up till now. Please give me a thumbs up so that this gives me a green signal to go ahead. All right, thank you so much. Since I got my answer, I'll now go ahead. ठीक है. Sheas, sheas is a good word. देखो sheas का मतलब होता है, sheas का मतलब होता है कुछ करना, to do something. ठीक है, कुछ करना, to do something. अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया था, अगर आपने अच्छे से समझा है, लोक मतलब है बातें, sheas मतलब है करना. लोकेशियस मतलब बहुत बातें करने वाला बंदा, लोकेशियस मतलब बहुत ज्यादा बातें करने वाला इंसान. तो अगर आप बहुत बातूनी हैं तो आप क्या हैं? लोकेशियस. ठीक है, क्योंकि लोक मतलब है बातें, शियस मतलब है टू डू समथिंग. राइट. सो व्हाट आर यू डूइंग हियर? यू आर डूइंग टॉकिंग. ठीक है, यू आर टॉकिंग हियर. तो लोकेशियस इज बहुत बातूनी इंसान, हु टॉक्स अ लॉट. और वोरेशियस क्या होगा? वोरेशियस क्या होगा? देखो वोरा का मतलब होता है खाना, वोरा का मतलब होता है खाना. ठीक है, जो बंदा बहुत खाता है उसे आप कहते हो वोरेशियस, बहुत खाने वाला इंसान वोरेशियस. कौन कौन यहाँ पे वोरेशियस है, बहुत खाते हो?
फूडी हो, बिग टाइम फूडी हो, खाने का बहुत शौक है, तो आप क्या हो? वोराशियस हो. वोरा मतलब बहुत ज्यादा, एक्सेसिवली कोई काम करना, कोई चीज खाना, राइट? दैट्स वोराशियस. आगे बढ़ेंगे एवरीशियस. एवरिस मतलब होता है, देखो ये पूछा जा चुका है बैंक एग्जाम्स में कई बार ये वर्ड, एवरिस. एवरिस का मतलब होता है ग्रीड, लालच. ठीक है, एवरिस मतलब होता है ग्रीड या लालच. तो एवरीशियस क्या होगा? ग्रीडी इंसान, लालची आदमी, उसे बुलाओ एवरीशियस. बहुत ज्यादा खाने वाले आदमी को क्या बुलाओगे? वोरेशियस. बहुत बातें करने वाले को क्या बुलाओगे? लोकेशियस. और बहुत ज्यादा लड़ाई करने वाले को क्या बुलाओगे? पगनेशियस. क्योंकि ये जो PUG होता है, पग, पग मीन्स होता है फाइट, पग मीन्स होता है फाइट. तो पगनेशियस इंसान कौन है? जो बहुत बातें कर, जो बहुत लड़ाई करता है. समवन हु इज वेरी कीन टू फाइट. ठीक है, उसे हम कहते हैं पगनेशियस. समवन हु इज वेरी कीन टू फाइट इज पगनेशियस. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगी. हम मैं एक बार बहुत जल्दी से रिपीट कर दूं. लोकेशियस बहुत बातूनी इंसान है, वोराशियस बहुत खाने वाला बंदा है, एवरीशियस बहुत लालची आदमी है, और पगनेशियस बहुत लड़ाकू आदमी है. समवन हु फाइट्स अ लॉट. ठीक है, एवरीशियस इज ग्रीडी, वोराशियस इज समवन हु ईट्स अ लॉट, लोकेशियस इज समवन हु टॉक्स अ लॉट, एंड पगनेशियस इज समवन हु फाइट्स अ लॉट. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. चलो, ये मर्डर्स आ गए हैं. ठीक है, ये मर्डर्स हैं, काफी सारे मर्डर्स हैं यहाँ पे. चेक करते हैं. CIDE, साइड का मतलब होता है मर्डर. ठीक है, साइड का मतलब है मर्डर. इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, छोटे बच्चे जो होते हैं, चाइल्ड, उसे कहते हैं इन्फेंट. और अगर बच्चों का मर्डर कर दिया जाए, बच्चों का मर्डर कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? इन्फेंटी साइड. साइड मतलब मर्डर, इन्फेंट मतलब बच्चे, तो इन्फेंटिसाइड इज किलिंग ऑफ चाइल्ड. चलो, यूक्सोरियस, ये जो यूक्सर होता है ना, इसका मतलब होता है वाइफ. यूक्सोरियस होता है वो इंसान जो बीवी का गुलाम है, राइट? बीवी का गुलाम. उसे कहते हैं यूक्सोरियस. इसको हम हेन पेग्ड हस्बैंड भी कहते हैं. ये मैं अपनी अनअकैडमी ऐप के लेक्चर में शेयर कर चुकी हूं, तो आप ये इडियम्स वहां पे जाके देख सकते हैं. यूक्सोरियस का मतलब है बीवी का गुलाम, यूक्सर मतलब है बीवी. तो बीवी का मर्डर क्या होगा? यूक्सोरी साइड. ठीक है, मैटरी, ये मैरिट नहीं है, आई एम सॉरी, ये है मैटरी, MATRI. मैट्री का मतलब होता है माँ, मदर, और साइड मतलब है मर्डर. तो माँ का मर्डर क्या कहलाता है? मैट्री साइड. ठीक है, ये गलत है, ये रिपीट हो गया है यहाँ पे. मैट्री साइड मतलब मम्मी का मर्डर, पैट्री साइड मतलब पापा का मर्डर. ओके, आई एम सॉरी, जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई जस्ट रिपीट दिस फॉर यू गाइस. सुनो, इन्फेंटिसाइड तो बच्चे का मर्डर है, यूक्सोरिसाइड बीवी का मर्डर है, और जो मैरिड साइड है, मैरिड साइड, मैरिड मतलब होता है MARIT, ये मैरिड का मतलब है हस्बैंड. ठीक है, तो हस्बैंड का मर्डर अपनी बीवी के द्वारा कहलाता है मैरिड साइड, पापा का मर्डर पैट्री साइड, मम्मी का मर्डर मैट्री साइड. मैट्री में और मैरिट में कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों की स्पेलिंग अलग है. ठीक है, दोनों की स्पेलिंग अलग है. फ्रैटरी मतलब, फ्रैट मतलब होता है भाई, तो भाई का मर्डर क्या कहलाता है? फ्रैटरी साइड. आई होप दैट्स क्लियर टू यू, सो आई विल गो अहेड नाउ. राइट, आई नाउ गो अहेड. एम्बल,
एम्बल का मतलब क्या होता है? एम्बल मीन्स, एम्बल मतलब टू वॉक और टू मूव, अभी पीछे भी बताया था। तो एम्बल है बहुत आराम से स्लो और रिलैक्स तरीके से चलते रहना, दैट्स कॉल्ड एम्बल। एम्बुलेंट मैंने अभी पीछे बताया था, वॉकिंग और मूविंग, कोई भी चीज जो मूविंग है, जो वॉकिंग है, आप उसे क्या कहते हो? एम्बुलेंट कहते हो। एम्बल होता है रिलैक्स्ड वे में, मजे मजे में घूमना फिरना, दिस इज कॉल्ड एम्बुलेंट, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं एम्बुलेंस पे। एम्बुलेंस तो आप समझते हो, ये वो व्हीकल होता है जो पेशेंट को इधर उधर मूव कराता है, राइट? पेशेंट को इधर उधर लेके जाता है, उसे हम कहते हैं एम्बुलेंस। तो ये तो बहुत आसान वर्ड है, जहां कहीं एम्बल लिखा आ जाएगा समझ जाना कि वहां पे वॉक की बात हो रही है। एम्बल का क्या मतलब है? स्लो और रिलैक्स तरीके से वॉक करना, स्लो और रिलैक्स तरीके से वॉक करना इज एम्बल। एम्बुलेंट चलते रहना, वॉकिंग और मूविंग। और एम्बुलेंस क्या है? अ व्हीकल जो पेशेंट को मूव कराता है, दैट्स एम्बुलेंस, राइट? आई होप दैट्स क्लियर टू यू, आई विल गो अहेड। चलो, आर्बर। आर्बर का मतलब होता है ट्री, इसको भूलना नहीं। आर्बर का मतलब क्या है? ट्री, ठीक। आर्बर मीन्स ट्री। तो आर्बोरिस्ट कौन होगा? जो पेड़ों से डील करता है, समवन हु वर्क्स विद ट्रीज, जो पेड़ पौधों की देखभाल करता है, पेड़ों के बीच रहता है या पेड़ों में डील करता है, आप उसे आर्बोरिस्ट कह सकते हो। आर्बर क्या है? आर्बर मैंने बोला पेड़ है, तो जो शेड, शेडी एरिया, जो जैसे ये पेड़ है मान लो, ठीक है, तो जो नीचे शेड आ रहा होगा ना, ये जो नीचे शेडी एरिया होगा, इस शेडी एरिया को आप क्या कह सकते हो? आर्बर, ठीक है। आर्बोरस क्या होता है? जैसे मान लो एक रोड है और वहां पे बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉलोनी में, रोड पे, कहीं पे भी अगर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, मान लो ये पूरा झुंड है, यहाँ भी पेड़ों का, यहाँ भी पेड़ों का, तो जहां पे बहुत सारे पेड़ होते हैं उस जगह को आप क्या कहते हो? आर्बोरस। क्या कहते हैं? आर्बोरस, ठीक है। आई विल गो अहेड। ओके, हम चलेंगे अब एंटी पर। एंटी का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, अगेंस्ट या ऑपोजिट। तो एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी तो आपने सुना होगा, एंटीबॉडी डेवलपमेंट हो गया है, हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी रहती है। एंटी मतलब विरुद्ध, बॉडी मतलब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ जो सब्सटेंस काम करता है आप उसको क्या बोलते हो? एंटीबॉडी। सेप्टिक मतलब होता है इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन के विरुद्ध काम करे वो चीज क्या है? एंटीसेप्टिक। सोशल मतलब जो आपकी सोशल चीजें हैं, सोशल रूल्स हैं, उनके विरुद्ध अगर कोई चीज काम करती है तो वो क्या है? एंटी सोशल, ठीक है। एंटी सोशल, सोशल सोशल मतलब हो गया सामाजिक, जो समाज के विरुद्ध है वो चीज क्या है? एंटी सोशल। ऑल राइट, सो आई विल गो अहेड नाउ। एनिम, एनिम का मतलब होता है जीवन, एनिम का मतलब होता है जीवन या आत्मा, इसको हम कहते हैं एनिम, ठीक है। तो एनिमल क्या है? एक जीवित ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एनिमेट का क्या मतलब है? एनिम मतलब जीवित कर देना। आपने एनिमेशन मूवीज देखी होंगी, एनिमेट करने का मतलब है किसी चीज में लाइफ फूंक देना, राइट? किसी को लाइफ इन्फ्यूज कर देना। देखते हो ना एनिमेशन में क्या होता है, आपको लगता है चीजें जीती जागती हैं, तो एनिमेट का मतलब होता है जीवित, ठीक। सो एनिमेट मतलब जीवित कर देना, राइट? टू मेक अलाइव। और इक्वो एनिमिटी इज इक्वल, मतलब तो आप समझते हो बराबर का। एनिमिटी मतलब जीवन, लाइफ, आत्मा या स्पिरिट। तो इक्वानिमिटी क्या होती है? बैलेंस्ड स्पिरिट का होना, मतलब आपकी जो आत्मा है वो बैलेंस्ड है, राइट? ना गंदी है ना बुरी है, बीच की बैलेंस्ड आत्मा है, आप उसे क्या कह सकते हो? इक्वानिमिटी, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर टू यू गाइज। अब हम लोग कल मिलेंगे 5 बजे और वोकैबुलरी के साथ। कल भी आपका वोकैब सेशन है, आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो आप शेयर करें, लाइक करें और स्प्रेड द वर्ड अमंग योर फ्रेंड्स टू स्टे ट्यून्ड
to all my YouTube lectures at 5 p.m. every day. So hope to see you guys again tomorrow. And meanwhile, stay home, stay safe.